नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया की लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन में। दोस्तों सबसे पहले तो धमाकेदार सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। आप सभी लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सुविधा कर दी है और सुविधा ये है कि अब आप सभी के सभी पीडीएफ, सारे के सारे क्लास के लिंक और सारी की सारी अपडेट या जानकारी क्लास से संबंधित आप सभी कुछ अब एक ही प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं और वो है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। जी हाँ दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये आज ही अभी क्रिएट किया है तो इसमें अभी सिर्फ 254 सब्सक्राइबर्स हैं क्योंकि किसी को पता नहीं, आज पहली बार अब मैं इसको जो है साझा कर रहा हूँ आपके साथ में। तो नाम रहेगा आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, आप सभी लोग इस पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको अब से डेली क्लास की पीडीएफ और डेली क्लास का लिंक वहां से आप सीधा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी डिले के। और ठीक है ये आपने ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज हम पढ़ने वाले एनालॉजी का टेस्ट। या दोस्तों आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, 10 सेकंड चैलेंज रहेगा। लेकिन साथ ही साथ में कल मैंने आपसे बोला था कि आज हम लोग बहुत सारे हाई लेवल या कह सकते हो कि ट्रिकी वाले क्वेश्चंस भी करने वाले, प्लस आज हम लोग कुछ जीके बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके वार्म अप क्वेश्चन, यानी कि आपको गर्म करने के लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। एक बार सभी लोग भाई सेशन को अगर शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, चलिए शुरू करें। सुबह 10:30 बजे आप डेली मेरे साथ रीजनिंग का शकुनी, जहां पर मैं आपको कराता हूं डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर। अभी तक हम लोग करीब करीब 40 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएसआई का हम लोग कर चुके हैं। और सुबह 10:30 बजे क्लास होती है, बट याद रखिएगा सुबह 10:30 बजे क्लास का टाइमिंग कौन सा है भाई, सुबह 10:30 बजे। लेकिन चैनल कौन सा है, ये वाला नहीं जिसपे आप अभी पढ़ रहे हो, इसी का एक और चैनल है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, नाम सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर। दोस्तों शाम को 5 बजे अनअकैडमी की एक क्लास कभी मत छोड़ना, बिल्कुल फ्री क्लास है रीजनिंग का दंगल, जहां पर होता है टॉपर्स फाइट, टॉप पे आने की फाइट। यहां पर करते हैं हम टॉप बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को मत छोड़िएगा। और दूसरी क्लास जो कि आपको करना है, अगर आपको एक महीने के अंदर 4000 से 5000 से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप इस क्लास में आइए, स्पीड बूस्टर क्लास 2 बजे डेली अनअकैडमी की फ्री क्लास। इसका लिंक आपको वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट अब तो आप लोगों को टेलीग्राम पर भी लिंक मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी के, आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा आकाश चतुर्वेदी के नाम से। एसएससी गोल्ड के अंदर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, काफी लोग फॉलो कर चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करने का। क्लास क्लास में बता दूंगा कैसे। नया बैच आपका 15 अगस्त से चालू होने वाला है, टाइमिंग रहेगा सुबह 10:30 बजे, सॉरी सुबह 11:30 बजे। दोस्तों ये बैच उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बेसिक से एकदम नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो। आप रीजनिंग प्लस सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं इस बैच के अंदर, जहां पर मैं आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से कंप्लीट कराऊंगा। जिसके लिए आपको लेना होता है एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। कैसे लेना है, सबसे पहले अनअकैडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, एसएससी गोल में जाइए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबाइए। आगे जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 साल 1 साल का कोर्स दिखेगा। 6 महीने का कोर्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, कारण कि 2 साल 1 साल आपके लिए किफायती भी है, प्लस बहुत सारी चीजें आप इस 1 साल 2 साल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है चतुर10, और चतुर10 का कोड यूज करके आपको मिलता है पूरा 10% का डिस्काउंट, प्लस प्रोसीड टू पे करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% का और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप अपने अनअकैडमी के कॉइन्स का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ऑल सब्जेक्ट, ऑल टीचर्स, ऑल एजुकेटर्स, सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। पीडीएफ हो गया, डेली क्लास लिंक हो गया, डेली की पीडीएफ हो गई, डेली के फ्री क्विजेस हो गए, ऑफर भी है 1 साल पर 3 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, और 2 साल का अगर लेते हो तो 6 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा उसी फीस के अंदर। डिस्काउंट भी लग जाएगा चतुर10 के कोड के साथ। सीईटी की तैयारी यानी कि एसएससी प्लस बैंकिंग की तैयारी अगर कर रहे हो अगले साल के लिए, तो आप लोग सीईटी का बैच ले सकते हो 1 साल या 2 साल का, जहां पर आपको 2 साल पर 1 साल एक्स्ट्रा फ्री, यानी कि 3 साल हो जाएगा। ठीक है, सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, ऑल द एजुकेटर्स, ऑल द टॉप परफॉर्मर्स जितने भी हैं यहाँ पर हमारे अनअकैडमी पर, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एसएससी कॉम्बैट दोस्तों होता है हर रविवार दोपहर 12 बजे, चतुर10 कोड के साथ आप लोग इसको एनरोल करके ये टेस्ट दे सकते हो। चलिए दोस्तों मुझे बता दीजिए क्या आप सभी लोग रेडी हैं, ये कोड है इसको लिख लीजिएगा, अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार मुझे रेडी का थम्स अप मार दो,
कमेंट सेक्शन सबसे लास्ट में अपन देखते हैं। आज भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, पीडीएफ का लिंक आपको ऊपर है, बाकी पीडीएफ की समस्या मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिए एक बार फिर से, पीडीएफ की समस्या मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। अब आप मेरा ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से, आज ही बनाया, अभी अभी बनाया थोड़ी देर पहले, तो आप इस पे ज्वाइन कर से डेली क्लास की पीडीएफ और डेली क्लास का लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार भाई मुझे थम्सअप बता दीजिए जब सभी लोग, अगर रेडी है तो एक बार थम्सअप दबा दो, बढ़िया सा, क्योंकि आज दोस्तों आज का सेशन भी थोड़ा लंबा चलने वाला है। लंबा इन द सेंस कि आज हम लोग जीके बेस्ड जनरलॉजी टेस्ट लेंगे, प्लस आपके हाई लेवल ट्रिकी क्वेश्चन भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शेयर और लाइक तो आप लोग कर ही चुके होंगे, वो सब तो आप जानते ही हो, कर ही देते हो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन आज कितना तैयारी करके आया है, और ऊपर सबसे ऊपर वाली पट्टी पर आपको टेलीग्राम चैनल का नाम भी लिखा है, आप उस पर जुड़ते जाइएगा, जिससे आपको डेली क्लास की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि आज आप लोगों का टेस्ट है एनालॉजी का। अब देखते हैं कि आज 60 क्वेश्चन लेकर आए हो, टोटल आपके लिए 60। इन 60 क्वेश्चन में से आप कितने बना पाते हो, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था भाई 150 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो 150 प्लस, कल हम लोगों ने कर लिए थे 60, परसों भी 60, 120 प्लस 180 क्वेश्चन हमने उड़ा दिए पूरे 3 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए 20 सेकंड का टाइमर है, बताएंगे आपसे सभी लोग फटाफट। जी हाँ प्रीतम, जितने भी वाईफाई स्टडी पर टीचर हैं वो सारे टीचर आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि प्लस कोर्स में, और एक्स्ट्रा भी टीचर्स हैं जो सिर्फ अनअकैडमी पर है, वाईफाई स्टडी पर नहीं, वो भी मिलेंगे, तो सारे मिल जाते हैं। तो हार्ट एक अंग होता है, हृदय हमारा एक अंग होता है, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि आंखें भी हमारा एक अंग होगी, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। यार क्या कर रहे हो, कुछ लोग सी लगा रहे हो, कुछ लोग ए लगा रहे हो, गलत है बेटा, सी कैसे हो जाएगा, सी कैसे हो जाएगा। लेग हमारा फिट होता है क्या, अरे लेग अलग चीज है, फिट होता है पंजा, पैर का पंजा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हिस्ट्री की इसमें जानकारी अगर आपको होगी तो आप लगा सकते हो। आपको बताना है इन चार में से तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, तो बताइए वो अलग वाला कौन सा होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से विषम कौन सा होगा। बहादुर सिंह कह रहे हैं कि बोन कैल्शियम, नहीं बहादुर सिंह, जैसा पहले का दूसरे संबंध है वैसे ही तीसरे का चौथे से लगाना है, हृदय एक अंग होता है ना, तो बोन कैल्शियम होता है क्या, बोन में कैल्शियम होता है वो अलग चीज है, बट हमें क्या करना था, आईज हमारा ऑर्गन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि अगर मैं बाबर, हुमायूं, अकबर की बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों एक ही वंशज से, एक ही डायनेस्टी से, सभी को पता होगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनेस्टी से आप बता सकते हो क्या, शायद आपको पता होगा, ये शायद स्लेव थे, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि ये स्लेव थे, यानी कि कहीं गुलाम वुलाम थे, फिर इनको राजा आजा बन गया, मतलब ताना एकदम बिल्कुल शासक बन गए थे, और इन्होंने कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, जहां तक मुझे याद है शायद उसको क्या कहते हैं, मुमलक डायनेस्टी है ना, अगर आप मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये एक ही वंशज से, एक ही परिवार से, बट कुतुबुद्दीन ऐबक आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बायोलॉजी से, देखते कितने लोग सही करते हैं। तितलियों का संबंध अगर लेपिडोपेट्रिसिस्ट से है तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आप कहोगे सर इतना तो पढ़ा ही नहीं कभी, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर तो क्या जानता है कि आप तो साइंस भी पढ़ते हो, बायोलॉजी भी पढ़ते हो, आता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। दोस्तों बटरफ्लाई की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं लेपिडोपेट्रिसिस्ट, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, याद कर लो। पोस्टकार्ड समझते हो, पोस्टकार्ड लिफाफा जो होता है, उसकी जो पढ़ाई होती है ना उसको बोलते हैं डेल्टियोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। इसमें तो तुक्का लगा रहे होगे, किसी ने डी लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
इन चार में से तीन एक जैसे और एक अलग है, वो अलग वाला कौन सा है बताइए। धुंध, क्लाउडी यानी कि बादल, पारभासी, पारदर्शी, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं उसको। हेजी, क्लाउडी, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। अब देखो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, धुंध मतलब होता है जिसमें धुंध, हल्का हल्का धुंध है, हमें दिख नहीं रहा। बादल यानी क्लाउडी, क्लाउडी जब होते हैं यानी बादल जब होते हैं तो हमें बादल के ऊपर नहीं दिखता कैसा आसमान है ना। ट्रांसल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ गई कि आपको उधर का दिख नहीं रहा। तो ये तीनों की तीनों चीजें कहीं ना कहीं आपका विजन रोकते हैं, यानी कि आपको ठीक सी साफ साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जहां पर आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो ये दोस्तों ये है दिखने वाली चीज और ये है ना दिखने वाली चीज। तो करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए ये है आपका आज का पहला ट्रिकी क्वेश्चन। पहले फिर से मैं बता दूं, आज मैं आप लोगों को टोटल 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कल और परसों हम लोग 120 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूं। और आज मैं आपको 60 टॉप क्वालिटी क्वेश्चन कराऊंगा, 60 क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको। और अब से आपकी पीडीएफ कहां मिला करेगी दोस्तों आपको, अब से आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ऊपर देखिए आपको लाल कलर से दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट में लगवा दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके भी आ जाना, और चाहे आप डायरेक्टली सर्च कर लेना टेलीग्राम पर आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, अभी अभी बनाया है, नया है, तो आप उस पर आ जाइएगा, ठीक है। वहां पर पीडीएफ वगैरह सब डाल देंगे हम डेली क्लास की। दोस्तों ईयर 1989 का संबंध अगर 1995 से है तो ईयर 1944 का संबंध किससे होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हो तो मत लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम जब बनाए हैं और ट्रिकी क्वेश्चन है तो ट्रिकी तो होंगे। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर इनका जो डिफरेंस है वो प्लस का 6 आ रहा है, तो सर इनका भी डिफरेंस प्लस का 6 कर देते हैं, तो 44 में 6 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 44 में 6, क्या 50 है कहीं पर, नहीं है तो गलत हो गया। अब मुझे बताओ क्या कर सकते हो। दोस्तों आप सभी को मैंने कैलेंडर पढ़ाया था इसी क्लास में 10 बजे, बिल्कुल बेसिक थे, और वहां पर मैंने आपको बताया था कैलेंडर के दोहराने का कॉन्सेप्ट, यानी कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर बताया था कि कैलेंडर भी रिपीट होते हैं। तो मुझे बताइए 1989 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, जस्ट उसके पहले का लीप ईयर लिखो कितना होता है 1988, कितने साल का गैप है, एक साल का गैप है, कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा 1995, यानी कि पहला वाला जो साल है वो रिपीट कर रहा है दूसरे को। तो बताइए 1944 को कौन रिपीट करेगा, सेम लॉजिक से जाओगे। दोस्तों 1944 को अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट पहले का लीप ईयर कौन सा होता है 1940, यही मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कितने साल का गैप है 4 साल, और जब 4 साल का गैप होता है कितना जोड़ता है 28, तो 1972 यानी कि 1972 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोगों ने 1972 नहीं लगा पाया, सीख लो इस बात को, जाके कैलेंडर का टॉपिक देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डली हुई है, समझ आ गया, 1972 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन, या कह सकते हो भटकाने वाला क्वेश्चन, जिनमें से आप में से मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोग गलत करोगे इसको। पुलकित कह रहे हैं सर प्लीज एक बार और कैलेंडर और क्लॉक फिर से पढ़ा दीजिए। कितनी बार पढ़ोगे। अच्छा बहुत सारे हो सकते हैं कि जिसको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसका कारण यह है कि वो बहुत बेसिक टॉपिक था कैलेंडर, और उसकी एक ट्रिक थी, वो हमने डायरेक्ट ट्रिक लगा दी, क्योंकि देखो अभी हम कैलेंडर नहीं पढ़ा रहे, तो इसीलिए कैलेंडर जब पढ़ाएंगे तो वो ट्रिक समझ लेना, हमने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। तो भाई इसका आंसर देखा, मैंने आपसे क्या बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप में से 50% लोग गलत कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताऊं 50% तो नहीं, मैं गलत था यार, मैं बिल्कुल गलत था, मुझे लग रहा था कि आप में 50% लोग गलत कर दोगे, लेकिन आप लोग मतलब बहुत होशियार हो, मैं गलत हो गया यार। 50% नहीं, आप में से लगभग 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हो। जितने भी लोग इसका आंसर शिष्टाचार दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंसर है, शिष्टाचार इज द गलत आंसर। एग्जामिनर भी पता है अगर ऑफलाइन पेपर होता ना, जितने लोग सिस्टर ऐसा बड़ा सा कट्टस लगाता आपके पेपर पर, तो मजा आता आपको, मुझे भी बहुत मजा आता, क्योंकि दिमाग तो लगाओगे नहीं सर, है ही नहीं हमारे पास, हम तो ऐसे ही आ जाते बस। अरे दिमाग तो लगाओ मेरे भाई, लड्डुओं और जलेबियों, मेरे दिमाग तो लगाओ क्या। देखो जैसा पहले का दूसरे संबंध वैसे तीसरे का चौथे से होगा। दोस्तों ग्रीट का मतलब क्या होता है, नमस्कार करना है ना, हम किसी को ग्रीट करते हैं ना, कहते हैं ना ग्रीट। देखो दोस्तों
टच का मतलब है फील करना. एक बात बताओ, टच का मतलब है फील करना. देखो टच का संबंध फील से कैसे होता है, जब आप किसी को टच करते हो तो वो उस चीज को फील करता है, करता है. दोस्तों जब आप किसी को नमस्कार करोगे तो वो आपको शिष्टाचार करेगा. दोस्तों आप किसी को भी नमस्कार करते हो तो वो आपके नमस्कार को स्वीकार करता है, वो भी कहता है नमस्ते, कहता नहीं कहता है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्नॉलेज, यानी कि स्वीकार करना. आप जब किसी को छुओगे तो वो उस चीज को फील करेगा, जब आप किसी को नमस्ते करोगे वो भी इस चीज को फील करेगा, क्या करेगा, स्वीकार करेगा. तो जब भी कभी ग्रीट करोगे तो वो उस चीज को स्वीकार करेगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. और मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत. अब कहां चले गए डी वाले, तो सारे के सारे कसम से थाली के बैगर चेंज हो जाते तुरंत के तुरंत. चलो एक काम करो, इसी बात पे इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक मार दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आप लोग गलत करने वाले हो पक्का, लिख के ले लो, इसलिए पहले से लाइक मार दो जल्दी से. समझ आ गया अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नहीं नहीं ये वाला नहीं, इससे अगला जो होगा वो गलत करोगे. ये वाला तो शायद आई थी मैंने कल भी करवाया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार. हाउस का संबंध अगर रूम से है तो वर्ल्ड का संबंध किससे होगा, ये जल्दी से लगा देते हैं. तो ऐसे एक घर होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, इसी प्रकार से दुनिया यानी कि वर्ल्ड के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं. तो नेशन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है. अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग गलत पक्का. बहादुर सिंह कह रहे अगर स्वीकार नहीं करें तो लो. सर अगर किसी ने हमें नमस्कार किया और हमने स्वीकार ना करें तो कौन सा आंसर लगाएंगे, ये भी सही है. जब भी आप किसी को नमस्कार करते हो तो वो उस चीज को स्वीकार करता है. वो कह रहे सर अगर स्वीकार ही ना करें तो क्या करोगे, अब क्या करें. देखो यहां पर दोस्तों मैक्सिमम लोग जो आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का वो मेरे पास आ रहा है सी, इवनिंग डार्क, ठीक है डार्क. तो मेगा कह रहे हैं सी, कल्पना कह रही है बी, मोंटी शर्मा कह रहे हैं हा, आयुष कह रहे हैं इवनिंग. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इवनिंग, यानी कि शाम, जो कि बिल्कुल सही है. कैसे, देखिए थंडर का संबंध रेन से कैसे होगा. दोस्तों बारिश से पहले हमेशा थंडर आता है. थंडर का मतलब होता है जो एक समा नहीं बन जाता है, बिजली चमक रही है बादल का है, उसको थंडर बोलते हैं. तो बारिश के पहले हमेशा थंडर होता है, इसी प्रकार से रात से पहले हमेशा इवनिंग यानी कि शाम होती है. तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. कुछ लोगों ने आंसर लगा दिया सी, बोले रात के पहले अंधेरा होता है, तो रात में क्या हो जाता है उजाला. रात के पहले अंधेरा नहीं होता है, रात में ही अंधेरा होता है, कह रहे रात के पहले अंधेरा होता है. अगला क्वेश्चन, चलिए इंक का संबंध अगर पेन से है तो ब्लड का संबंध किससे होगा. इंक का संबंध अगर पेन से है तो ब्लड का संबंध किससे होगा, खून, ब्लड यानी कि खून. कह रहे रात से पहले अंधेरा, तो रात में क्या हो जाता है उजाला. कहते हो यार कसम से. चलो देखो दोस्तों, देखो इंक कहां होती है, पेन में, तो ब्लड कहां होता है. बहुत सारे लोग पता क्या लगाते हैं, सर ब्लड होता है डॉक्टर के पास. कुछ लोग आते हैं सर ब्लड होता है जब दुर्घटना होती है तब ब्लड निकलता है. अरे यार इसका करेक्ट आंसर होगा नसों में, यानी कि वेन में. जिस प्रकार से पेन में इंक भरी होती है, इसी प्रकार से वेन यानी कि नसों में खून भरा होता है. अगला क्वेश्चन, ये टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है. आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको डेली क्लास की आपकी पीडीएफ और डेली क्लास का लिंक मिलता रहेगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी का संबंध अगर माइंड से है तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होगा. मनोविज्ञान का संबंध अगर मन से है, अब जैसे ही आपने ऑर्निथोलॉजी की हिंदी पढ़ी आपको इसका आंसर तुरंत आ गया. भले आपको नहीं पता हो कि ऑर्निथोलॉजी, लेकिन आपको जैसे हिंदी पढ़ी तो आ गया. क्या बोले सर, पक्षी हमारा करेक्ट आंसर. क्यों, क्योंकि पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित होगा. याद रखना दोस्तों, दिमाग को पढ़ने की स्टडी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी नहीं कहता. वो इंसान तुम्हारी साइकोलॉजी पढ़ गया और तुम्हें बेवकूफ बना गया. दोस्तों इसी प्रकार से पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स. किसकी स्टडी होती है, पक्षियों की पढ़ाई होती है. किसकी होती है, पक्षियों की पढ़ाई. अगला क्वेश्चन, चलिए
को लगता है कि इस क्वेश्चन को आप सही कर दोगे, जितनों को भी लगता है कि इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, ईमानदारी से, तुक्का नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो लोग गलत करेंगे। जितनों को भी अगर लगता है इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग गलत कर सकते हो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी आप फंस जाओगे। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने क्या क्या आंसर लगा। दोस्तों यहां पर अगर हम डायमंड प्रोडक्शन कह रहे हैं सर रात को प्यार हो जाता है, लियो हम कह रहे हैं रात के पहले क्या होता है, बोले रात के पहले प्यार हो जाता है। बेटा रात के पहले प्यार होता है शादी से पहले, शादी के बाद रात में फिर कुटाई लगती है बस, और कुछ नहीं होती है। हमसे पूछो, नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे, मतलब हम बता रहे हैं, मतलब हमें पता है। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो मैक्सिमम लोगों ने ले लो। कुछ लोग लगा रहे हैं गेन करना, अच्छा कुछ लोग ला रहे हैं गिव यानी कि देना, कुछ लोग ला रहे हैं गिफ्ट, अलग अलग प्रकार के आंसर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, और सच बताया तो सही में कर दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छीनना, क्योंकि अपन सेंस नहीं समझे इस क्वेश्चन का, समझिए अब सेंस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना, कैसे सुनिए ध्यान से। सजेशन का मतलब डिमांड कैसे होता है दोस्तों, सजेशन का संबंध डिमांड से क्या होता है, देखो सजेशन मतलब आप किसी से कुछ सुझाव मांग रहे हो, और डिमांड का मतलब होता है आप किसी से कोई चीज हक से मांग रहे हो। दोस्तों सजेशन हमेशा एक विनम्र तरीके से मांगा जाता है, भाई मैं तुमसे एक सजेशन लेना चाहता हूं, होता है ना। डिमांड, भाई साहब वो पेन मेरा इधर दो, वापस करो जरा, प्रतिम लगाए कंटा, तो उसको कहते हैं डिमांड। आपने किसी चीज की डिमांड करी, ये आपका हक है, आप मांग लोगे तुरंत। दोस्तों सजेशन का संबंध अगर डिमांड से है, उसी प्रकार टेक का संबंध किससे होगा। टेक का मतलब होता है किसी चीज को लेना, आपने बोला भाई वो पेन देना, उसने दे दिया, आपने ले लिया पेन। अब मुझे बताओ इसका जस्ट उल्टा क्या होगा दोस्तों, किसी चीज से छीनना हक से, भाई साहब कुर्ती में दे दो इससे पहले कि हम कंटाप पे लगा दे तुम्हारे, तो आप छीन लोगे उससे। इसी पर देखो सजेशन का संबंध डिमांड से, सजेशन आप किसी से लेते हो बड़ी विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करके, डिमांड आप उससे हक से ले लेते हो। इसी प्रकार टेक का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज लेना, लेकिन उसी का जस्ट उल्टा यानी कि छीनना, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यानी कि बी ऑप्शन। समझ आया, समझ आया, बढ़िया था क्वेश्चन। तो कर दो फिर इसी क्वेश्चन के लिए एक लाइक, क्योंकि अगला क्वेश्चन और भी तगड़ा होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉटनी का संबंध अगर प्लांट से है तो एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होगा। वनस्पति विज्ञान का संबंध अगर पौधे से है तो एंटोमोलॉजी किससे होगा। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, मतलब पता है तो पता, नहीं तो पता तो नहीं पता, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। क्यों, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा इंसेक्ट यानी कि कीट। याद रखना भाई, कीट की पढ़ाई यानी इंसेक्ट की पढ़ाई को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना। जनवरी का संबंध अगर नवंबर से है तो संडे का संबंध किससे होगा। जनवरी का संबंध अगर नवंबर से है तो संडे का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, जनवरी का संबंध कैसे हो गया नवंबर से, भाई जनवरी में हमने दो दिन माइनस किया ना, भाई जनवरी में अगर हम माइनस का दो करेंगे तो दिसंबर और नवंबर, तो संडे में भी दो माइनस कर दो। दोस्तों संडे में अगर हम दो माइनस करेंगे कहां पहुंच जाएंगे, शुक्रवार यानी कि सी ऑप्शन फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, चिमनी का संबंध अगर स्मोक से यानी कि धुएं से है तो इनमें से कौन सा सही होगा। आपको लग रहा होगा ये सर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन लेकर आए अभी, अरे भैया ये तो स्टार्टर है, स्टार्टर मतलब वार्म अप है, वार्म अप सेशन हो रहा अभी, अभी तो आप लोगों को गर्म किया जा रहा है, असली माल तो अभी आगे है। बहुत तगड़े क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे आज, बेस्ट क्वालिटी 60 क्वेश्चन, ना मजा आ जाए तो कह के जाना फिर। देखो दोस्तों, चिमनी से निकलता है धुआं, चिमनी से निकलता है धुआं, चिमनी कौन सी, वो सेंटा क्लॉज वाली ना, सेंटा क्लॉज आता था ना चिमनी से, बचपन में बच्चों को उल्लू बनाया जाता है, बोले चिमनी से सेंटा क्लॉज आएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो सेंटा क्लॉज आते हैं विदेश में, धीरे धीरे अपने भी देश में प्रचलित हो गया, तो अपन लोग भी सेंटा क्लॉज बनाने लगे। तो वहां पे क्या होता था, विदेश में क्या होता था कि वहां पर चिमनी से सेंटा क्लॉज आते थे, ऐसा कहानी है कि सेंटा क्लॉज आते चिमनी से और गिफ्ट वगैरह दे के जाते। अपने अपने इंडिया में भी माँ बाप क्या कहने लगे,
बच्चों से, सेंटा क्लॉज आएंगे रात में तो गिफ्ट मिलेगा, बोले ठीक है। बाद में सुबह हो गई, बोले मम्मी सेंटा क्लॉज तो आए नहीं। मम्मी बोली बेटा अपने घर में चिमनी नहीं है, सेंटा क्लॉज आए थे चले गए। एक और बात बताए, बचपन में आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, स्कूलों में एक कहानी आ गई थी बहुत तगड़ी, क्योंकि हम पढ़े कैथोलिक स्कूल में, तो कैथोलिक स्कूल में क्या था कि सेंटा क्लॉज वगैरह बहुत ज्यादा मनाते थे हम लोग। तो उसमें क्या हुआ, सुनना ध्यान से, उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने पता क्या बोला, बोले क्रिसमस वाले दिन रात में, आपने करा कि नहीं करा एक बार मुझे यस या नो बताना, रात में तकिए के नीचे मोजा होता है सॉक्स, उसमें पर्ची में अपना गिफ्ट लिख दो, और पर्ची में अपना गिफ्ट लिख के मोजे में रख दो और उसको तकिए के नीचे, और देखना सुबह तक तुम्हारा गिफ्ट आ जाएगा उसी मोजे के अंदर। पर्ची में लिख के रखते थे हमने, कितनी बार मैंने वीडियो गेम लगा, कितनी बार वीडियो, आज तक कभी जिंदगी में वीडियो गेम, सेंटा क्लॉज तो छोड़ो माँ बाप ने भी कभी वीडियो गेम नहीं दिला। कुछ नहीं मिला, तब मुझे समझ में आ गया सब बेवकूफी और कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, जैसे चिमनी से स्मोक यानी कि धुआं निकलता है, इसी प्रकार से गन से बुलेट निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, गन से बुलेट निकलती है, ठीक है। घर से छत नहीं निकलती, कुछ लोग घर से छत लगा रहे गलत है, घर छत घर में रहती कहीं जाती नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, यानी कि गन से बुलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली दोस्तों विदेशों में होता क्या है कि कहा जाता है, जैसे मान लो बच्चे कोई भी विश करते हैं किसी गिफ्ट की, लिख के रख देते पर्ची में, तो माँ बाप क्योंकि वो त्योहार है उनका, तो वो माँ बाप ही गिफ्ट लेके उन बच्चों को दे देते, तो उनको लगता है कि सेंटा क्लॉज आए थे उनको गिफ्ट दे गए। एक्चुअली एक सेंटा क्लॉज एक थे जिनका नाम था ना सेंटा क्लॉज के नाम से, आपने सुनी होगी कहानी, तो वो आते थे बच्चों को गिफ्ट दे आते थे सारी चीजें। दोस्तों पैडी का संबंध अगर फील्ड से है तो स्टील का संबंध किससे होगा, 20 सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, ध्यान से करना बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल सही फैक्ट्री भाई, मजा आ गया, जितने भी लोगों ने फैक्ट्री आंसर लगाया दिल खुश कर दिया भाई आपने। क्यों दोस्तों, धान जो होती है खेत में होती है, स्टील कभी भी दोस्तों माइन या खदान में मत लगा देना, स्टील खदान में नहीं मिलती, खदान में तो लोहा मिलेगा, उससे बनाया जाता है स्टील जो कि फैक्ट्री में होती है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने खदान लगा दिया गलत आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर पोल का संबंध मैग्नेट से, पोल समझते हो ध्रुव चुंबक के होते हैं ना ध्रुव, कौन सा, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ से जो आपकी वो जो भी होती है मैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो निकलती है और कहां जाती है, साउथ की तरफ जाती है। तो पोल यानी मैग्नेट का संबंध अगर पोल से है तो बताइए कि बैटरी का संबंध किससे होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग यहां भी शायद गलत कर देते हैं, कुछ लोग इसका आंसर सेल लगा देते हैं, बोले बैटरी का संबंध सेल से। यार जैसे कि एक मैग्नेट होती है चुंबक, उसके जो एंड होते हैं ना टर्मिनल, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी प्रकार से अगर कोई बैटरी होती है तो बैटरी में दो एंड होते हैं, उसको बोलते हैं प्लस और माइनस, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल, आप तभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा टर्मिनल हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आ ही गया तो मैं आपको एक चीज और पूछ लेता हूं, कभी आपने दोस्तों जिंदगी में ईएमएफ का नाम सुना है, सुना होगा, और क्या आप लोगों ने ईएमएफ का नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा। आप भी कहोगे सर कैसी बातें करो, दोनों एक ही चीजें तो है ना। दोस्तों नहीं, अगर आपने ईएमएफ का नाम सुना है तो शायद आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था तब मैंने ये बात पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात थी। दोस्तों ईएमएफ और ईएमएफ दोनों अलग हैं, छोटा ईएमएफ बड़ा ईएमएफ। जो छोटा ईएमएफ होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि आपकी सेल्स और बैटरी में होती है, और बड़ा ईएमएफ जब लिखते हो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपकी चुंबक से निकलती है। तो कभी भी ईएमएफ को एक ही मत समझ लेना, ईएमएफ दो होते हैं, एक छोटा ईएमएफ और एक बड़ा ईएमएफ, एक चुंबक वाला है और एक बैटरी वाला है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको कहते हैं दोस्तों फिगर एनालॉगी, दिख रहा है आप सभी को एक क्वेश्चन मेरे पीछे, फिगर एनालॉगी आपको बताना है, जैसा ये पहला फिगर दूसरे संबंधित है ऐसे ही तीसरा फिगर किससे संबंधित होगा। फिगर एनालॉगी भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो दोस्तों जो पहला फिगर है उसको हमने
45 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ दिया है। कितना? 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ दिया है और डबल लाइन कर दी। इसी प्रकार से जो तीसरा फिगर है उसको भी हम 45 डिग्री मोड़ देंगे। दोस्तों ये तो 45 है नहीं, ये 45 डिग्री घड़ी की दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में, और ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने सी आंसर लगाया बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाफ का संबंध अगर जोक से है, यानी कि हंसी का संबंध अगर मजाक, दोस्तों जोक वगैरह होते हैं चुटकुले, मजाक करना, उसको भी जोक बोलते हैं, नहीं कहते मैंने तुम्हारे ऊपर जोक क्रैक कर दिया, यानी कि मैंने तुम्हारा मजाक कर दिया। तो हंसी का संबंध अगर जोक से है तो किसका संबंध होगा? क्रैकर। क्रैकर का मतलब होता है पटाखा, दिवाली में नहीं होता फुलझड़ी, पटाखा, अनार, चरखी, ये सारी चीजें। तो इसका संबंध किससे होगा? एक्सप्लोड से। दोस्तों जैसे कि कोई जोक मारता है तो हम लोग हंसते हैं, इसी प्रकार से पटाखे से एक्सप्लोजन यानी कि धमाका होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि धमाका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रेसिडेंट का संबंध अगर इंडिया से है तो किंग का संबंध किससे होगा? लगाए रहो स्पीड में, क्योंकि आज भाई 60 क्वेश्चन है और अभी सच बता रहा हूं अभी सिर्फ स्टार्टर चल रहा है। स्टार्टर मतलब वार्म अप सेशन, अभी मैं आपको सिर्फ गर्म कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे ठंडा भी करूंगा, ठीक है? देखना अभी ध्यान से, बढ़िया वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं अभी, बहुत तगड़े वाले, अभी तो कुछ नहीं है। देखो प्रेसिडेंट कहाँ होते हैं? इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसी प्रकार से किंग जो है वो इंग्लैंड की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, जैसे हमारे देश में होता है ऐसे इंग्लैंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। वेस्ट का संबंध अगर नॉर्थ ईस्ट, यानी पश्चिम का संबंध अगर उत्तर पूर्व से है तो दक्षिण का संबंध किससे होगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन और भी कराया था, उसमें दूसरी दिशाएं दी हुई थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। डायरेक्शन बनाओ, आंसर निकालो सभी लोग फटाफट से, जल्दी से क्या करोगे? सर देखो ये होता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ ईस्ट, सही है? ये होता है नॉर्थ ईस्ट, सही है? दोस्तों वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कितना डिग्री बना रहा है? 135 डिग्री। तो मुझे बताइए ये होता है दक्षिण यानी कि साउथ, तो साउथ से घड़ी की दिशा में 135 बना लो भाई, कहां पर पहुंच जाओगे? नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक नंबर क्वेश्चन है। ओएसिस का संबंध अगर डेजर्ट यानी रेगिस्तान से है तो किसका संबंध होगा समुद्र से? आज तो आप लोगों की उंगलियां दुख जाएंगी, पता है? ए बी सी, नहीं नहीं ए बी नहीं, डी डी, आज उंगली दुखा देंगे हम आपके, सही बता रहे। देखो दोस्तों ओएसिस रेगिस्तान, पहले समझ लो ओएसिस होता है, कुछ लोगों को पता होगा ओएसिस क्या होता है, जिसको नहीं पता समझ लीजिए। दोस्तों जैसे कि एक बड़ा समंदर होता है, समंदर के बीचों बीच अगर कोई जमीन का टुकड़ा जिसको हम आइलैंड बोलते हैं सभी को पता होगा, इसी प्रकार से जब एक बड़ा सा रेगिस्तान होता है और रेगिस्तान के बीचों बीच पानी का टुकड़ा, समझ रहे हो, इसको कहते हैं ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? रेगिस्तान में कोई पानी का टुकड़ा। तो इसी प्रकार से समुन्द्र में जमीन का टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? ओएसिस याद रखना क्या होता है? रेगिस्तान में पानी का टुकड़ा, यानी कि पानी की जगह थोड़ी सी, उसको ओएसिस बोल दिया। उसी प्रकार समुद्र में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, समझ गया, यानी पानी में जमीन का टुकड़ा, जिसको कहते हैं आइलैंड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, 90% लोग, और ना करो तो मेरा नाम बदल देना, सच बता रहा हूं। नाम भी सोच लो, सोच के रख देना जो भी रखना हो। शुभम मोंडल, पुष्पा जेनिया, जीना, युवराज, मोटी शर्मा, अमिनुल, अंजलि, पूनम, आरजू, परवीन, आरिफ, अरीशा, मीनाक्षी, के आर सिंह, अर्चना, आकाश, मीना, गौरव प्रजापति, विकास, वंदना, अंकित, प्रिया, कनिका, मेसी, नेहा जसवाल, मोहित, अनन्या, सुगना, रुद्र, डिम्पी, डब्बीरू, साथी, साथी, मोहित, प्रिया, इसका आंसर बता दो भाई। अबे मुझे तो लग रहा था आप में से 90% लोग गलत कर दोगे यार, आप लोग तो सही कर रहे हो यार, लगता है मैंने ज्यादा नाम दे दिया क्या?
डीके कह रहा सर आपका चश्मा मेरा अटेंशन ले जा रहा है, तो तुम मेरा चश्मा ले जाओ। देखो दोस्तों पाउंड का संबंध येन से, पाउंड भी एक करेंसी होती है, येन भी करेंसी होती है, दोनों करेंसी करेंसी। पोलो का संबंध किससे होगा, पोलो एक गेम होता है, तो गेम का संबंध गेम से होगा, हॉकी हमारा सही आंसर है। हमें लगा आप लोग गलत करते हो यार, आप लोग तो होशियार निकल गया। तो क्या नाम वाम तो नहीं सोच लिया हमारा सही में, कोई डबल नाम कोई दूसरा रख दो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी आपसे रोज। अगला क्वेश्चन, सिजर का संबंध अगर क्लॉथ से है तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। कैची से कपड़ा, कैची का संबंध कपड़ा, तो आगे क्या होगा कुर्ती में, सभी लोग स्टार्टिंग से जल्दी से। देखो दोस्तों कैची का संबंध कपड़े से कैसे होता है, कैची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कुल्हाड़ी और लकड़ी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिगर एनालॉजी, अगर पहले फिगर का दूसरे फिगर से संबंध है तो बताइए तीसरे फिगर का चौथे से क्या होगा। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको बोलते हैं फिगर एनालॉजी। तो पहला फिगर दूसरा फिगर आप समझ ही रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला फिगर हमने जस्ट उसकी क्या कर दी, मिरर इमेज, इस वाले की भी मिरर इमेज क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आए तगड़े वाले क्वेश्चन, धीरे 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 तगड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, रीजनिंग सॉरी आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। तो यहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ और डेली क्लास का लिंक भी आपको मिलता रहेगा, क्लास की अपडेट और जानकारी मिलती रहेगी। चलो अब धीरे धीरे आपके बढ़िया वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। अब लगाओ आंसर सोच समझ के। छह का संबंध 222 से, ये तो लड्डू है, तो सात का संबंध किससे होगा, बिना पेन चलाए इसका आंसर आप बता सकते हो कैसे। देखिए देखिए सर आप कहोगे देखिए छह का क्यूब कितना होता है 216, उसमें 6 को ही जोड़ दो कितना मिल जाएगा 222, ठीक है। तो 7 का क्या कर देंगे, 7 का क्यूब 343 और प्लस 7 कर दो तो 343 प्लस का 7 विल बी इक्वल टू 350 यानी कि 350। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो अब आया तगड़ा क्वेश्चन, अब आएगा मजा। 210 का संबंध अगर 380 से है तो 182 का संबंध किससे होगा। मोंटी शर्मा सर आज से आप सर आपका नेम है हंसाने वाले सर की क्लास, तुम भी एक और नाम रख दो, हम तो एक उस नाम से परेशान थे, कितने लोगों ने हमारा अकेडमी पे नाम रख दिया चतुर सर, बोले ये तो चतुर सर है, अब तुम रख दो हंसाने वाले सर, कॉमेडी सर, सारे सर रख दो तुम। देखो 210 का संबंध 300, बहुत ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। 210 और 380 कैसे बन सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 210 और 380 कैसे बन सकते बताओ। दोस्तों देखना सभी लोग ध्यान से, 210 को हम क्या 225 माइनस 15 लिख सकते हैं, आप लोग लिख तो सकते हैं, बट क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 15, तो 210 आ गया। अब देखना यहां पर 380 क्या हो सकता है, दोस्तों क्या मैं 380 को 400 माइनस 20 नहीं लिख सकता हूं, और 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर माइनस 20, सही है, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 15 और 20 का स्क्वायर माइनस 20, यानी कि कितने का डिफरेंस है 15 और 20, 5 का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ 182 क्या होगा, तो 182 को मैं लिख सकता हूं 196 माइनस का 14, और 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर माइनस का 14, तो मुझे बताइए आगे क्या होना चाहिए आपको। सर देखो ऊपर 15 और 20 था 5 का डिफरेंस, तो नीचे 14 और 5 यानी कि 19, तो 361 माइनस का 19, तो ये बैठेगा भाई आम का आंसर करेक्ट आंसर, जो कि हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस का 19। मुझे बताओ 361 में 19 घटाने पर कितना आएगा, सबको पता है भाई कितना आने वाला है 342 हमारा करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन यानी कि 342 लगाया, बिल्कुल सही आंसर, समझ आ रहा है सभी को, 342 यानी कि 342 इज द करेक्ट आंसर। सर आपके टेलीग्राम ओरिजिनल चैनल का नाम क्या है,
आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, बताया तो सामने लिखा हुआ है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। आगे सबको अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पांच का संबंध अगर 36 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? पांच का संबंध अगर 36 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? पांच का संबंध अगर 36 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना सभी लोग। लड्डू क्वेश्चन है, कैसे? चलो देखो, अरे आसान है, पांच में एक जोड़ देंगे 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 6 में अपन एक जोड़ देंगे 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ये आ गया भाई आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 49 हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 16 का संबंध अगर 56 से है तो 32 का संबंध किससे होगा? 16 का संबंध अगर 56 से है तो 32 का संबंध किससे होगा? बहुत ध्यान से लगाना सभी को। और यार अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो एक बार यार 800 के 800 लोग लाइक मार दो प्लीज, सभी लोग जल्दी से लाइक कर देते हो, हमें अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाते हैं हम बहुत ज्यादा, फिर हम और भी अच्छे क्वेश्चन देते हैं। देखो भाई ध्यान से सभी लोग देखो, 16 का संबंध 56 से कैसे हो सकता है? अगर मैं 16 का आधा करता हूं तो 8, और अगर मैं उसका 7 गुना कर दूं तो कितना मिलेगा 56, सही है? तो मुझे बताओ 32 का क्या लगाओगे? तो 32 का कर दीजिए आधा, यानी कि 16, और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 16 × 7 कितना होता है 112 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी लोगों ने 112 आंसर लगाया बिल्कुल सही है, क्या मैक्सिमम लोगों ने 112 लगा दिया, क्या बात है भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस फिगर का संबंध अगर इस फिगर से है तो इस फिगर का संबंध किससे होगा? बस सिंपल क्वेश्चन, बहादुर सिंह, कसूर नींद का नहीं जो आती है, कसूर सपनों का है जो सोने नहीं देते, कहां से चेपा है? कसूर तो हमारा है जो हम तुम्हारा मैसेज पढ़ दिए। देखो बहादुर सिंह, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, दुनिया की बातें करवा लो बस। देखो पहले का संबंध कैसे है भाई, लाइनें खिंच गई, तो इसका संबंध कैसे हो? लड्डू क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यस्टरडे का संबंध टुमारो से, यस्टरडे क्या होता है? कल का दिन जो बीत गया, टुमारो, तो बताइए मार्च का संबंध किससे होगा? यस्टरडे का संबंध अगर टुमारो से है तो मार्च का संबंध किससे होगा? देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ लोग गलती करते, बट करना मत दोस्तों, यस्टरडे यानी कि कल का बीता हुआ दिन, तो यस्टरडे होगा, फिर आज होगा, तभी ना टुमारो आएगा, यानी कि दो दिन का गैप है इधर पे। तो मुझे बताइए मार्च में क्या करोगे? मार्च में दो दिन का या दो महीने का गैप, मार्च के बाद अप्रैल और मई, तो आंसर क्या आना चाहिए? मई हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों ने इसका आंसर अप्रैल लगा दिया जो कि गलत है, जितने भी लोग इसका आंसर अप्रैल लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है, और मुझे पता था कि आप लोग अप्रैल लगा दोगे, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर अप्रैल लगाया जो कि गलत है। कैसे बोले सर, यस्टरडे से टुमारो तो मार्च से अप्रैल, अरे यस्टरडे के बाद टुडे आता है, टुडे के बाद टुमारो आता है, तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन चलिए बताइए फटाफट से, अगर इस फिगर का संबंध इस फिगर से है तो इस फिगर का संबंध किस फिगर से होगा? यार मैं इसमें 20 सेकंड देना नहीं चाह रहा हूं, लड्डू क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं भाई। पहला वाला जो फिगर है उसका क्या हो गया? आधा हो गया, तो पहले वाले फिगर का आधा कर देंगे ये मिल जाएगा, तो इस फिगर का भी आधा कर देंगे, आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलिए, स्टूल का ये आया आज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन, 80% लोग आप में से इस क्वेश्चन को करेंगे गलत, कारण लेनी पड़ेगा हमें करना क्या, स्टूल का संबंध बेंच से है, स्टूल का संबंध बेंच से है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, असली अग्नि परीक्षा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं उसको, लेट अस सी।
करके बताओ उसको सही। स्टूल का संबंध अगर बेंच से है तो इनमें से कौन सा सही होगा? मोहन सिंह सर हमारा कमेंट पढ़ लिया करो। मोहन बेटा एक बार आप फिर से कर दो मैं आपका कमेंट देख नहीं पाया। जो जब मैं मोबाइल पे देखता हूं तो जो कमेंट सामने आता है हम पढ़ देते हैं। देखिए भाई यहाँ पर आंसर लगाने कुछ लोग बी आंसर यानी कि चेयर टेबल। ओके 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 वेरी गुड दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का आंसर चेयर टेबल आ रहा है, वेरी गुड। मैं गलत था दोस्तों, मुझे लगा कि शायद आप लोग गलत कर दोगे आंसर, बट मुझे क्या पता था कि आप सबके सब इसको गलत नहीं बोलते हैं जो आपने किया, इसको गलत नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हद गलत, इसको कहते हैं हद गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। जितने भी लोगों ने बी आंसर लगाया था गलत है। क्यों? आपने ना सर चेयर टेबल। अरे मेरे भाई साहब लड्डू और जलेबियों, स्टूल और बेंच। दोस्तों स्टूल भी बैठने के काम आता है, बेंच भी बैठने के काम आती है, तो आपने टेबल चेयर क्या सोच के लगा दिया? चेयर तो बैठने के काम आती, टेबल थोड़ी बैठने के काम आती है। कौन बैठता है टेबल पे? टेबल पे बैठते नहीं थे, टेबल पे खड़े होते थे जब बचपन में सजा मिलती थी, वो तो बैठ जाते टेबल पे, टेबल बैठने का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं होगा। पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला था ना आप में से 90% लोग भी सही कर दो तो बहुत है, 80% कर दो बहुत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब सुनो क्यों दोस्तों, स्टूल और बेंच दोनों एक ही प्रकार होते हैं, बस क्या होता है साइज का फर्क होता है। स्टूल छोटा और उसी का बड़ा रूप। स्टूल का ही बड़ा रूप क्या होता है? बेंच होती है जिस पर हम बैठते हैं, स्टूल का बड़ा रूप। इसी प्रकार से फुट होता है ना, फुट रूल, फुट मतलब कि जो एक फुट का जो स्केल होता है उसका जो बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं यार्ड स्टिक। आपने देखा होगा अक्सर जो दर्जी वगैरह होते हैं उनके पास कपड़ा नापने की एक बड़ी सी स्टिक होती है, यार्ड स्टिक बोलते हैं। तो फुट नियम नहीं है, सॉरी फुट रूल का मतलब होता है फुट स्केल। तो फुट यानी कि एक फुट और उसका बड़ा रूप क्या होता है? यार्ड स्टिक। तो करेक्ट आंसर होगा दोनों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पहले वाले जो है ना आपका स्टूल और बेंच वो क्या है? वो है आपकी बैठने की चीज, और ये दोनों कौन है? ये आपकी नापने की चीज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन 1000 व्यूज पे आ गया भाई, 1000 व्यूअर हमारे यहां पर जुड़ चुके हैं और 1000 पे पहला तगड़ा क्वेश्चन आ गया। अगर इस फिगर का संबंध इस नंबर से है तो इस फिगर का संबंध किस नंबर से होगा? ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा पहले इंटरनेट पे या कहीं भी, कहीं किसी बुक में या मॉक टेस्ट में। भूमि कह रही है मुझे बहुत सजा मिली है टेबल पर खड़े होने की। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है भूमि, हम तो जानते हैं, मिली होगी, तुम्हारा नाम ही है भूमि। बताओ, बेचारी का नाम भूमि है और हवा में इसको टांग देते थे। देखो भाई ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस फिगर के संबंध इससे कैसे हो सकता है? आपको ऐसा नंबर ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं, मैंने कहा देख लो इसके अंदर कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, अच्छा 3 और 3 6 16 6 22। मुझे बताइए 110 का 5 से डिवाइड करो कितना मिलता है? 22, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल ही है। मुझे बताइए इसमें कितना आंसर आएगा? देखिए सभी लोग ध्यान से दोस्तों, देखिए यहां से मिलेंगे 8, यहां से मिलेंगे 8, यहां से मिलेंगे 8, यहां से मिलेंगे 8, मिलेंगे तो 8 8 8 8 कितने हो गए आपके पास? 32। इस क्वेश्चन को करा चुका हूं मैं आपको जब फिगर काउंटिंग पढ़ाया था। दो मिलेंगे ये कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, दो, टोटल कॉमन पॉइंट कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। तो क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 40 होना चाहिए? गलत। जिसने भी 40 लगाया गलत है। क्यों दोस्तों? 4 मिलेंगे सबसे बड़े वाले, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक मिलेगा एबीसी, इसी प्रकार से 4 और मिलेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा भाई 44। अब मुझे बताओ कि 44 कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन यानी कि 120 सॉरी 88/4 लगाया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब एनालॉगी तो आई गई, फिगर काउंटिंग भी हो गया और कैलकुलेशन भी आपने गलत कर दी। 40 है नहीं उसके अंदर, 44 है, क्योंकि 4 मिलते हैं सबसे बड़े वाले। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर आएगा 88/4 यानी कि, अरे 88, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, 88/4 कैसे आ जाएगा? 88/4 तो 22 होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आएगा मेरे ख्याल से 176/4। 44 लाना ना, 176 सॉरी 176/4 सॉरी 176/4 तब आएगा इसका आंसर 46। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा 176/4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और तगड़ा क्वेश्चन।
अगर इस फिगर का संबंध इस फिगर से है तो इस फिगर का संबंध किससे होगा? देखो ध्यान से सभी लोग, ठीक है, देखते जाना दोस्तों। यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ इस पहले फिगर का दूसरे फिगर से कैसे संबंध हो सकता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें इस पहले वाले फिगर में टोटल पार्ट कितने हैं? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच, छह, सात, आठ, आठ पार्ट है। लेकिन आठ पार्ट में से शेडेड वाले कितने हैं? शेड, तो आपको क्या सर दो पार्ट शेड है हमारे, तो आठ पार्ट दोस्तों दो पार्ट शेड है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई आठ बटे दो यानी कि एक चौथाई, दोस्तों एक चौथाई आंसर आ रहा है भाई, आठ में से दो पार्ट शेड है तो कितने पार्ट बचे, एक एक चौथाई हो गया। तो ये जो फिगर आपको बना हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हो कि पूरे का एक चौथाई हिस्सा हमने ये काला कर दिया, ये तो करा काला, एक चौथाई हमने काट दिया, काट दिया। तो अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा, एक दो तीन चार, आठ में से चार पार्ट आपके शेड है, तो आठ बटे चार मतलब क्या हो जाएगा, एक बटे दो, एक बटे दो का मतलब आधा, आधा मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। दिख रहा है मेरी खोपड़ी के ऊपर आपको, ऑप्शन नंबर डी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा सभी को, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी, वो आधा आ रहा, आधा। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा क्वेश्चन, नहीं पड़ा पल्ले, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। नहीं पढ़ा, अगला बताओ, मेघालय का संबंध अगर शिलोंग से है तो असम का संबंध किससे होगा? मेघालय का संबंध अगर शिलोंग से है तो असम का संबंध किससे होगा? लड्डू क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं, असम का संबंध किससे हो जाएगा भाई? दिसपुर, उड़ीसा, बिहार या गैंगटॉक? मेघालय का संबंध अगर शिलोंग से है तो असम का संबंध किससे होगा? बिल्कुल सही आंसर है भाई, दिसपुर। बहुत सारे लोगों ने आंसर लगा दिया भाई दिसपुर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन दिसपुर हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए फुर्ती में आंसर बताएंगे सभी लोग। बीस सेकंड, नौ का संबंध अगर 102 से है तो 12 का संबंध 135 से, तो 13 का संबंध किससे होगा? देखो दोस्तों, 9 का संबंध 102 से कैसे हो सकता है? देखिए सभी लोग, अगर मैं 9 का गुणा 11 में करता हूं तो 9 इंटू 11 यानी कि 99, और 99 में अगर हम 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 102। सही है, नहीं सही है? जोश खत्म हो रहा है क्या? एक बार लाइक मार दो भाई सभी लोग जल्दी से फटाफट से, और फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। जोश खत्म नहीं होना यार, अभी तो यार आधे क्वेश्चन किए हैं, अभी तो बहुत बाकी है इस तरह के, अब तो तगड़े वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं। देखो 12 का 11 से गुणा करो 132, और प्लस का 3 कर दो 135। सही है, तो 13 का मल्टीप्लाई भी 11 से करोगे और प्लस का 3 कर दोगे। मुझे बताइए 13 का मल्टीप्लाई 11 से करने पर प्लस का 3 करने पर कितना बैठता है? बिल्कुल सही आंसर है 146 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 146। जितने भी लोगों ने 146 आंसर लगाया, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 146 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, चलो ये वाला नहीं, ये वाला तो मैं आज आपको होमवर्क में देने वाला हूं, ठीक है, इसको हटा दो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, याद रखना होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में देता हूं। चलो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से विषम कौन सा है? 81 से 9, 9 से 6, 25 से 16, 16 से 1, 64 से 16, 16 से 4, 100 से 64, 64 से 5, इनमें से विषम कौन सा होगा? सॉरी, सॉरी,
देखो भाई, देखिए दोस्तों सभी लोग ध्यान से, अगर मैं 81, 9 और 6 को देखता हूं, ध्यान से देखना, 81 का अंडर रूट करो कितना मिलता है 9, और 9 का अंडर रूट कितना मिलता है 3, दोनों को माइनस कर दो कितना मिलेगा आपको 6, आ गया। यानी कि पहले दोनों नंबर का अंडर रूट करके माइनस कर दो। अब ये तो 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, 16 का कितना होगा 4, तो 5 में से 4 घटा 1, ये भी सही है। अब ये बताओ 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, 16 का 4, दोनों को घटाओगे कितना मिलेगा 4, ये भी सही आ रहा भाई। तो कौन सा गलत होगा फिर, लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले में 100 का अंडर रूट 10 होगा, 64 का 8 होगा, दोनों को घटाओ कितना आना चाहिए था 5 आना, सॉरी 2 आना चाहिए था, जबकि दिया कितना है यहां पर 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, 46 का संबंध किससे होगा अगर 28 का संबंध 113 से है तो? ये तो आसान है क्वेश्चन। देखो भाई ध्यान से सभी लोग, 28 का गुणा अगर हम 4 में करते हैं 112, और प्लस का 1 कर दो कितना आ जाएगा 113। इसका मतलब 46 का मल्टीप्लाई भी हम किस में करेंगे, 4 में, और प्लस का 1 करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 46 का मल्टीप्लाई 4 में करने की जरूरत पड़ेगी क्या, इतना टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं। क्यों दोस्तों? यूनिट प्लेस से निकालो बस, यूनिट। 46 का मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो जाहिर सी बात है 6 × 4 यानी कि 24, यानी यूनिट पे आपका 4 आने वाला है, और उसमें आपको कितना जोड़ना है 1, तो जब 4 में 1 जोड़ो कितना आएगा 5, यानी कि 185 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 1 कर दो, आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। नया बैच आपका शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिसने भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ। अगला क्वेश्चन, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। देखो भाई ध्यान से सभी लोग, और कल का टॉपिक भी सुन लो भाई, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम, और कल भी आप लोगों के वेन डायग्राम के धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैक्सिमम लोग गलती ही करोगे, क्योंकि वेन डायग्राम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। तो कल वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा, ठीक है? बहुत अच्छा चैप्टर है, सभी लोग आना रात में 10 बजे। देखो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि 10 में हमने 1 जोड़ा 11, और 11 का क्यूब कर दिया तो 13 31, और प्लस का 3 कर दो कितना आ जाएगा 13 34। समझ में आया? ये क्या होता है, ये 11 का क्यूब प्लस 3 ही तो होता है, 11 का क्यूब प्लस 3। तो मुझे बताओ 49 का क्या करोगे, 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 + 1 8, 8 का क्यूब 512, और 512 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 515, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर लगाया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पिकॉक यानी कि मोर का संबंध अगर पेवो पेवो क्रिस्टेटस से है तो किसका संबंध होगा पैंथरा टाइग्रिस से? दुर्लभ कश्यप क्या करें, जब तुम क्लास में आओगे तो हमें चालाक तो बननी पड़ेगा ना। देखो पैंथरा टाइग्रिस का संबंध किससे होगा दोस्तों, ये इसका साइंटिफिक नाम है, मोर का साइंटिफिक नाम होता है पेवोस क्राइटेसस, याद कर लो भाई, जो भी है क्रिस्टेटस क्रिस्टेटस, और पैंथरा टाइग्रिस किसका होगा, ये होगा भाई टाइगर का। नहीं पता तो याद कर लो, टाइगर का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है पैंथरा टिग्रिस या टाइगरिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 24 6 यानी कि 246 का संबंध अगर यार 246 से एक छोटा सा नंबर कैसे बना सकते हैं, सोचो जरा। बिल्कुल सही आंसर है टाइगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 512 में सुदीप 3 नहीं जोड़ोगे आप, 512 में 3 जोड़ोगे तो 515 आएगा ना बेटा। देखो ध्यान से सभी लोग दोस्तों, 246 से 4 कैसे बना सकते हो, 246 से 4
आप देखो ध्यान से देना, 246 का मैंने पता क्या किया है, 24 को 6 से डिवाइड कर दिया, 246 कितना बचेगा, 4 आ गया। ये देखो 14 को डिवाइड कर दो 7 से, कितना बचेगा, 2। तो 84-86 क्या करोगे भाई, 84 को डिवाइड कर दोगे 6 से, आंसर कितना बैठेगा, 14 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलिए, 167 का संबंध अगर 43 से है तो 245 का संबंध किससे होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से करना बस, गलत मत करना। देखो भाई 167 से 43 कैसे बना सकते हो, सोचो एक इतने बड़े नंबर से कितना छोटा सा नंबर बनाना है। तो जरा दोस्तों आपस में इन सभी के सभी नंबर्स को देखो, जरा क्या है ये है 167, क्या 167 से आप 43 तक पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो, अगर मैं आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा, 6 × 7 यानी कि 42, और 42 में एक और जोड़ दो, आंसर कितना आएगा, 43 आ गया भाई। अब बताओ यहां पर क्या करोगे, 2 × 4 × 5 और सब में क्या जोड़ दोगे, 1, तो 5 × 4 = 20 और 1 = 40, 41 आना चाहिए भाई आंसर, 41 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोगों ने 41 आंसर दिया, वेल डन, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक्स का संबंध अगर 20 से है तो जेड का संबंध किससे होगा, एक्स का संबंध अगर 20 से है तो जेड का संबंध किससे होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाना सभी लोग। देखो दोस्तों आप क्या सोचोगे, सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है, एक्स की वैल्यू 24, 24 में 4 घटाया तो 20, तो भाई जेड की वैल्यू 26, 26 में से 4 घटा दो कितना बचेगा, 22, तो 22 तो है ही नहीं ऑप्शन में, गलत हो गया लॉजिक, इसका मतलब लॉजिक कुछ और होगा, तो लॉजिक क्या होगा चलिए देखते हैं। दोस्तों x का मतलब 24 होता है, ठीक है, 24 से 20 बनाना है, कैसे बना सकते हो, अगर मैं 24 की अलग अलग डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ दूं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये मिलेगा 4 + 16 यानी कि 20, सही है नहीं सही है, ठीक है, तो मुझे बताओ z की वैल्यू क्या होती है, 26, तो 26 में अगर मैं 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 + 36 यानी कि 40 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी ये देखो 21 आंसर लगा रहे हो, गलत है ना, 21 आंसर करेक्ट आंसर होगा इसका 40, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 42-62 का संबंध अगर 42-71 से है तो 21-39 का संबंध किससे होगा, 9 जोड़ा हुआ है तो एक काम करो यहां भी 9 जोड़ दो, यहां पर 9 जोड़ने पर आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब कुछ और किया हुआ है। तो क्या किया है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत बड़ा नंबर है, कोई स्क्वायर क्यूब बन नहीं रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, हमने डिफरेंस भी लेके देखा वो भी नहीं सही बैठ रहा, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को अलग अलग जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 4 × 2 = 6 = 6 = 12 = 14, और इसको भी जोड़ने पर कितना आएगा, 4 × 2 = 6 = 13 और 1 = 14, दोनों साइड के नंबर को जोड़ने पर 14 आ रहा है, तो इनको भी जोड़ दीजिए, 9 और 1 = 10, 3 × 2 = 5 = 15, तो यहां पर भी ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 15 आ जाए, और वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 23 = 46, कैसे, 6 × 4 = 10, 3 × 2 = 5, आंसर कितना आएगा, 15 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लड्डू क्वेश्चन है, गलत मत करना, लगा रहो तुक्के लगा रहो, बहुत सारे लोग इसका आंसर ए दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ कुछ दे रहा, लाइक कर दो भाई, एक काम करो, जितने लोग भी तुक्का उक्का लगा रहे हो ना आप लोग, एक काम करो लाइक वाइक करते रहो बस। जल्दी से सभी लोग फुर्ती में,
अरे आसान है यार, आई की वैल्यू देखो दोस्तों क्या होती है, 9, आई की वैल्यू 9 हो गई, और एच की वैल्यू क्या होती है 8, इधर पे कितना आ गया 18, इधर पे कितना आ गया 19, तो 9 में हमने कितना जोड़ दिया 9, तो 18 मिल गया, और 8 में कितना जोड़ दे 11, तो 19 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, तो 11 में आप जोड़ दीजिए 9, तो 11 9 कितना हो गया 20, 20 का मतलब कितना होता है टी, टी का मतलब ये आंसर गलत कर दो, ये आंसर गलत कर दो, और 12 में हमें कितना जोड़ना है, 12 में जोड़ना है 11, 11 का मतलब 23, 23 का मतलब डब्लू, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा टी डब्लू हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग जल्दी से। अनामिका भारद्वाज कह रही सर नींद आ रही है, क्या हुआ थक गए बस यार, अभी तो 60 क्वेश्चन करने थे हमको, आप ही लोग बता दो अच्छा क्या, जल्दी से बताओ, अगर थक गए हो नींद आ रही है तो वैसा बता दो, और अगर करना है अभी तो वैसा बता दो, क्योंकि हम तो पूरे मूड में हैं कि आपको 60 क्वेश्चन पूरे करा के जाएंगे, तो हमने 60 60 60 तीन क्लास में 180 लगभग क्वेश्चन कर लिए, और सभी की पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी है। अब आप लोग यार ऐसा करोगे सर नींद आ रही है, ये आ रही है, थोड़ी देर पानी वानी की छींटे मार लो, हटा दो नींद वींद, नींद आ रही है, वो सपना सपना ही क्या जो आपको सोने दे। अनामिका इस लाइन को बोलो 4 बार, सपना क्या है, नौकरी लगाना है, कौन सी, सरकारी, ये सपना है, वो सपना सपना ही क्या जो आपको सोने दे, सपना कभी सोने नहीं देता है। चलिए दोस्तों सभी लोग ध्यान से, ये 13 है, ये मेरा है, मतलब ये 18 है और ये 11 है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 42, और 42 का अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं कितना मिलता है 14, ये देखिए मिल गया 14। अब मुझे बताओ एल एन पी मतलब कि 12 प्लस 14 प्लस 16 सबको जोड़िए कितना आ रहा है 42, इसका कर दीजिए 3 से डिवाइड कितना बजेगा 14, 14 का मतलब कौन सा आना चाहिए, एन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए फुर्ती में, 9 से बनाना है ये नंबर तो 6 से क्या बनेगा, अक्षय कह रहे हैं सपना देखना बेकार है, किस चीज का सपना देख रहे हो अक्षय पहले ये बताओ, सपना ही गलत देख रहे हो तुम, सपना देख रहे हो कोई चीज का, मिलता है नहीं कुछ तो सपना ही गलत देख रहे हो, इसलिए कहते तो सपना ही देखना बेकार है, सपने में थोड़ी कुछ होता है, देखो जो भी होता है हकीकत। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9 से 234 कैसे बना सकते, देखो एक बड़े से नंबर से एक छोटा सा नंबर बनाना है, आप थोड़ी देर के लिए इस बड़े से नंबर को देखोगे ना घूर के गुस्से में, ये अपने आप ही बोल देगा भैया मुझे जोड़ दो मैं मिल जाऊंगा, दोस्तों इन सबको जोड़ दीजिए, अगर मैं 2 + 3 + 4, देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है थोड़ी देर उसको भूल लिया करो गुस्से में, वो खुद ही बोल देता है हमारा आंसर क्या है, दोस्तों 4 3 7 2 9 मिल जाएगा 9। अब ये बताइए 6 बनाना है, किससे बना सकते हो 105 से, कैसे, सबको आपस में जोड़ दीजिए 1 + 0 + 5 कितना मिलेगा हमको 6, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 134 का संबंध अगर एसीडी से है एसीडी तो 567 का संबंध किससे होगा, और दोस्तों नीचे आप सभी लोग देख सकते हो कि यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल आज ही मैंने बनाया है, नया टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, नाम है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, आप सभी लोग इस नाम को सर्च कर लीजिएगा आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, पूरा नाम सर्च करना गलत मत करना, कैपिटल में मत करना स्मॉल में करना, मतलब पहला पहला कैपिटल होगा आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, और इस नाम को टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, अब से आपकी डेली क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी आपको, ठीक है डेली क्लास की पीडीएफ आपको इधर भी मिल जाएगी, और कमेंट सेक्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का नाम सॉरी लिंक चिपका दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आ सकते हो हमारे पास, ठीक है। चलिए अब देखो भाई इसमें कैसे किया, ए की वैल्यू 1 होती है, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4, ये देखो 1 3 4 1 3 4, अब ये बताओ 5 6 7 कौन सा मिलेगा आंसर, 5 का मतलब ई, 6 का मतलब एफ और 7 का मतलब जी, ई एफ जी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखो कहीं पर ई एफ जी है क्या, हो गई गुगली, हो गई ना गुगली, इसी को कहते हैं गुगली, मैक्सिमम लोगों ने यही सोचा सर 1 3 4 ये है और 1 3 4 ये है,
तो एक काम करते हम भी ऐसे ही कर देते, कर दो। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि ई एफ को देखकर, खाली ई एफ को देखकर ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा दिया। आप देख लो कमेंट में डी आंसर लगा जा रहे सबके सब, जो कि गलत है। क्यों? क्यों? क्योंकि ई एफ जी है ही नहीं ऑप्शन में, गलत हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन सभी नंबर को आपस में जोड़ोगे तो 4, 3, 7 और 1, 8 मिलेगा, और इन तीनों नंबर को जोड़ोगे तो भी आपको 8 मिलेगा। तो इन नंबर्स को जोड़ो तो 7, 5, 12, 6, 18 आना है। कोई ऐसा अल्फाबेट बताइए ग्रुप जिसका जोड़ने पर 18 आ रहा है। अब मुझे बताओ किसको जोड़ने पर 18 आ सकता है, आप ही बता दो। एक ही है भाई, ये वाला, यानी कि एफ जे बी, इसको कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। ये 6 है, ये 10 है और ये 2 है, सबको जोड़ दीजिए कितना मिलेगा 18। ठीक है, तो धोखे से लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बट वो गलत है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, यानी कि एफ जे पी। समझ आया? अमित राम कह रहे हैं ऑप्शन गलत है। अमित, ऑप्शन गलत नहीं है, लॉजिक गलत है जो आपने लगाया है। लॉजिक आप सही लगाइए, ऑप्शन गलत। हमारी क्लास में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लगता है ऐसा है कि यार ये लॉजिक होगा ये, लेकिन यार ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि लॉजिक ही नहीं है वो। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए फुर्ती में बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से। अच्छा आज, आज तो आप लोग 1K लाइक तक पहुंचाओगे नहीं हमें, है ना? रोज पहुंचा, आज तो पहुंचाओगे नहीं, कसम खा के बैठे हो। 1K लाइक पहुंचाओगे नहीं, मुझे पता, कसम जो खाए हो। ये क्वेश्चन सही किया क्योंकि ये लड्डू क्वेश्चन था, तो सबने कह दिया। देखो ये 14 था, ये 10 था, क्या कर दिया? माइनस का 4। ये 15 से 19, क्या कर दिया? प्लस का 4। फिर ये 12 से 8, माइनस का 4। तो फिर आगे भी प्लस का 4 ही किया होगा और वो दिख भी रहा है। तो यहां पर भी हम करेंगे माइनस का 4, प्लस का 4, माइनस का 4, प्लस का 4। ये बताओ 13 में 4 घटाओगे तो कितना बैठेगा? आई, आई का मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक काम करो, लास्ट वाला चेक कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 18 में प्लस 4 करना है, 18 4 22, 22 का मतलब वी, आई के साथ वी कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सही है। अगला क्वेश्चन चलिए पूर्ति में, ये नया बैच आ रहा है दोस्तों आपका 15 अगस्त से सुबह 11:30 बजे, सभी लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से, और सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे टीचर मिलेंगे इसी में। बस आपको एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है? चलिए इसका आंसर 20 सेकेंड। देखो सभी लोग, अब हम इसमें सोचते रहते हैं सर ये स्क्वायर है, क्यूब है, 212, 216, 436, सब इधर उधर स्क्वायर क्यूब छोड़ते हैं। फिर हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़ के आया तो 5, इसको जोड़ा तो नहीं आ रहा 5, यानी कि स्क्वायर क्यूब का लॉजिक भी नहीं बन रहा, जोड़ने का भी लॉजिक नहीं बन रहा। तो क्या करें? मैंने क्या बोला, या तो इसमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता है बड़े बड़े नंबर्स में, या तो आपका क्या बोला था मैंने, जोड़ने का, या तो स्क्वायर क्यूब का बनेगा, या तो जोड़ने का बनेगा आपस में, या फिर आपस में डिफरेंस का बनेगा। तो दोस्तों अगर आप इसका डिफरेंस लेते हो तो आपको मिल जाएगा, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 436 और 212 का डिफरेंस कितना बैठेगा, 422, यानी कि 224। तो यहां पर हमने प्लस का 224 कर दिया है, तो यहां पर भी आप प्लस का 224 कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा प्लस का 224। ये बैठेगा आपका 4, 6, 2, 8, 5, 2, 7, 784 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रवि कुमार सर, पड़ोसी लाइन मार रही है, क्या करें? तुम उसको झापड़ मार दो। अगला क्वेश्चन, नाइट एंगल का संबंध अगर क्वेश्चन मार्क से है तो मेंढक का संबंध किससे होगा?
ये तो आसान है दोस्तों। मेंढक की जो आवाज होती है जो वो निकालता है उसको क्या बोलते हैं, टर टर करना यानी टर टराना। तो नाइटिंगेल समझते हो, कोकिला यानी कि कोयल। तो कोयल की आवाज कौन सी होती है जल्दी बताओ, कोयल की आवाज कौन सी होती है, भौंकना। कोयल की आवाज कौन सी होती है, भौंकना, चीखना, कुड़कुड़ाना, स्वर करना, स्वर स्वर स्वर। अब बताओ कोयल कौन सी आवाज निकालती है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वार्बल। इंग्लिश में याद कर लीजिए सभी लोग दोस्तों, कोयल की जो आवाज होती है इसको हम नाइटिंगेल भी बोलते हैं। एक्चुअली कोयल नहीं है दोस्तों, कोयल को नाइटिंगेल, कोयल की तरह ही एक और होती है कोकिला, वो भी कोयल की तरह। दोस्तों उसका आंसर होता है बी यानी कि वार्बल, याद रखना वार्बल जो आवाज होती है वो कोकिला निकालती है, मेंढक आपका टटर आता है। अगला क्वेश्चन चलिए, एफ सी बी का संबंध अगर एफ से है तो बी एच आई का संबंध किससे होगा, सभी लोग फुर्ती में। वन के प्लस लाइक तो कराओगे नहीं आज आप लोग, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, 60-60 क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं वहीं पड़े हो अभी भी। देखो भाई ध्यान से सभी लोग, देखो दोस्तों एफ सी बी, एफ की वैल्यू 6, ये 3, ये 2, लेकिन इससे हमें बनाना कितना है, बनाना कितना है, इससे हमें बनाना तो हमें 6 है यानी कि एफ बनाना है। अब मुझे बताओ इससे एफ कैसे बना सकते हो, बड़ा आसान है कैसे, देखो 6 × 3 × 2 कितना होता है 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, 6 का मतलब एफ बन गया। तो मुझे बताओ 2, 8, 9 क्या कर सकते हो, आप करोगे 2 × 8 × 9 तो 9 × 8 72, 72 का 2 गुना करोगे 144, और 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का, और 12 मतलब L हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने L आंसर लगाया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है समझ आ रहा है। अंकित कह रहे हैं सर क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी, देखिए दोस्तों जितने भी लोग हैं जिसको नहीं पता क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो आपके लिए मैंने एक बहुत ही आसान सा तरीका निकाल लिया है। नीचे आप सभी लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नाम है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के बाद में कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वीडियो के खत्म होने के बाद आज की पीडीएफ और डेली क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन चलिए, 68 का संबंध अगर 2.04 से है तो 18 का संबंध किससे होगा, अच्छा क्वेश्चन। मोंटी शर्मा कह रहे हैं सर आज 6 बजे की क्लास नहीं हो पाएगी, बहुत नींद आ गई है मॉर्निंग वाली। अच्छा मॉर्निंग वाली 6 बजे वाली क्लास अब नहीं कर पाओगे, ज्यादा हो गया क्या, तो वो ज्यादा कम तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है मजे से फॉलो बस। देखो 68 का संबंध 2.04 से कैसे हो सकता है दोस्तों, 68 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो आपको पता है 68 का 3 गुना कितना होता है, 68 का 3 गुना होता है 204, अरे सॉरी 68 का 3 गुना अगर आप करते हो कितना मिलता है 204, 68 का 3 गुना करो कितना मिलेगा 204, लेकिन दोस्तों यहां पर 2.04 है तो क्या कर दे आप करो सर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.03 से, मतलब एक तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, ये तो हो रहा है। तो 18 का मल्टीप्लाई भी हम किसमें करेंगे 0.03 से, तो 18 तीय कितना होता है 54, लेकिन 0.03 तो कितना हो जाएगा 0.54, ध्यान से लगाना आंसर, गलत मत कर देना क्योंकि ऑप्शन सब लगभग सेम है। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा 0.54 हमारा करेक्ट आंसर, सही है नहीं सही है। अगला क्वेश्चन सर CHSL का एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया था वो कब होगा, महेश्वर मेरा है। देखो मैं जाते जाते मेरा मतलब मैं पागल नहीं हुआ, देखो चाइनीज फ्लैग दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैंने रात में बनाया है, ठीक है, और अगर इसका आंसर कोई सही से दे दे तो मजा आ जाए, ठीक है, बढ़िया सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। चाइनीज फ्लैग का संबंध अगर 2 कलर से है तो भारतीय ध्वज का संबंध किससे होगा, देखते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा पाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन, कनक शर्मा कह रहे सर सुबह 6 बजे कौन सी क्लास, मेरी क्लास नहीं होती है शायद, आई थिंक सुबह 6 बजे शिप्रा मैम की क्लास होती है शायद ना साइंस की, उसी की बात कर रहे हो अभी, या फिर भुवनेश्वर की होती होगी कोई 5:30 या 5 बजे होती होगी जीके की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कसम से बता रहा हूं जितने लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर 3 लगाया ना
जाके कहीं डूब मरू। भारतीय ध्वज के अंदर कलर कितने होते ये भी नहीं पता। मैं जाओ यार तुम लोग, यार एक बात बताओ, रहन दो यार तुम लोग, अब रहन दो। देखो ये चाइना का ध्वज है, चाइना के ध्वज में दो कलर होते हैं, एक होता है लाल एक होता है पीला, और हमारे ध्वज में एक, मैं पेन पेन नहीं चला रहा हूँ दोस्तों, पेन से नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए खुद से, ध्वज पे पेन चलाना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो एक हो गया आपका केसरी, एक कलर, एक व्हाइट हो गया, एक ग्रीन हो गया, तीन हो गए, और बीच में जो चक्र दिख रहा है उसका नीला कलर नहीं दिख रहा क्या? चार कलर होते हैं, चार कलर तो कर क्या यार, तीन लगा रहे हो बैठ के। अब आप सोच लो, ये सबके सब मैं बता रहा हूँ, ये सबके सब कौन है पता है? जिसने भी तीन लगाया ये सबके सब घुसपैठिए हैं, ये कहीं यहां से आ गए, कहीं यहां से आ गए, ये नहीं है देश के, ये घुसपैठी है, ये एंटी नेशनल कहीं के। तुमको ये भी नहीं पता कि यहाँ पर तीन आंसर लगेगा, चार लगेगा, घुसपैठिए कहीं के। भारत के ध्वज में चार कलर होते हैं, तीन कलर नहीं होते। बोले सर हमें तो तीन ही पता है, कौन कौन से? सर एक ये, एक ये, एक ये। तो नीला कलर कहाँ जाएगा फिर, वो भी तो कलर है। आंसर होगा इसका चार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक और तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर 6 बजे का संबंध 180 डिग्री से है तो 10:40 बजे का संबंध किससे होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर। गज्जू डागरकर, मैं तो दोस्तों लॉजिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग इस बात पे भी हो सकता है डिबेट कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन कलर होते हैं। नहीं, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चार कलर होते हैं, आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, और इस बात को लॉजिकली आप देख भी सकते थे सामने और प्रूफ भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप ये बोलोगे नहीं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन ही कलर होते हैं, तो फिर अगर तीन कलर होते हैं फिर चौथा वाला कलर क्या है? वो बेकार है फिर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों। 6 बजे का संबंध अगर 180 डिग्री से है, 6 बजे का संबंध अगर 180 डिग्री से है तो 10:40 का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है दोस्तों, जो 6 बजता है वहां पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, सबको पता है भाई। ये बज गया आपका 6, तो ये हो गया भाई 180 डिग्री, सही है? तो बताइए 10:40 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा? वही आंसर होगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक आप जानते हो क्या, कि 10:40 पर एंगल अगर निकालना है तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक। क्या कि 10 को काटा, 40 कितना गया? 1:4। और जब भी कभी टाइम 1:4 का दिया होता तो मैंने आपको क्या बताया शॉर्ट ट्रिक, कि जब भी कभी आपका टाइम 1:4 का होता है तो मिनट का हमेशा डबल कर देना, 80 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। तो जितने भी लोगों ने 80 डिग्री इसका करेक्ट, कुछ लोग 20 लगा रहे हो, कुछ लोग 40 लगा रहे हो, करेक्ट आंसर होगा 80 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है? वाह मजा आ गया। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा ही लगा होगा, बुरा तो लगा नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था दोस्तों, ये है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सभी लोग, वहां पर डेली क्लास की पीडीएफ, आज के क्लास की पीडीएफ भी वहीं पर देने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में नहीं लगाने वाला हूँ, आप लोग अब से वहीं पर पीडीएफ ले लिया करेंगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ये है दोस्तों, सभी लोग लिख लीजिए, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, अभी अभी बनाया बस क्लास के पहले, तो आप मान के चलिए इसमें अभी सिर्फ 254 सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल्स, ठीक है? यहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अब जो भी इंसान ने कल का कमेंट का आंसर दिया था, अब मैं उनके नाम पढ़ लेता हूँ। कल मैंने आपको जो कमेंट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मेरे पास आया दोस्तों, सबसे पहले दिया है पुष्पा जीना ने, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई, यही आंसर तो दिया नहीं। रमेश कुमार ने भी थैंक्स बोला है। आनंद सर मेरी अनअकैडमी की ईमेल वेरीफाई नहीं हो रही, ले हमने बोला था आंसर तो तुम लोग कर क्या रहे हो? सर मेरा जीडी का पेपर लियो, सर पीडीएफ भेज देना लियो। हाँ ये आया आंसर, अनन्य का आंसर आ गया, ठीक है? सी वाला, ठीक है? मोहम्मद अहमद, उसके बाद अभिषेक, दिलीप, मिस्टर दिलीप, 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 दिलीप। तो कल थोड़े से कम ही आंसर दिया आप लोगों ने, क्योंकि मुझे लगता है शायद आपने आंसर देना सही नहीं समझा, उसके पहले तो 30-30, 40-40, 50-50 लोग कमेंट करते थे, ठीक है? चलिए सुदीप कह रहे हैं सर व्हाइट इज नॉट अ कलर, सर व्हाइट इज नॉट अ प्राइमरी कलर, इट इज द मिक्स्ड कलर। सुदीप क्या कह रहे हो?
हमने ये थोड़ी ना पूछा कि व्हाइट प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी होता है कि टर्शरी होता है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने कलर होते हैं। तो आप सफेद को कलर मानोगे नहीं मानोगे, भले वो मिक्स्ड है बट कलर तो मानोगे उसको नहीं मानोगे। आप तो अलग ही दुनिया में चले गए सुदीप, क्या कर रहे हो यार, इतना डीप नहीं जाना अपन को। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ, सभी लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और अनअकैडमी पर अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा। और नया बैच आपका शुरू हो रहा है अनअकैडमी पर ही, और ये नया बैच जो होगा आपका 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, 15 अगस्त सुबह 11:30 बजे, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल पर यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल नया बैच होगा आपका, बिल्कुल बेसिक से सभी लोग पढ़ सकते हैं, रीजनिंग प्लस ऑल सब्जेक्ट। बट कैसे पढ़ना है, कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन, आपको अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ये पेड बैच होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जाना है अनअकैडमी पर। अगर आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, SSC गोल में जाइए, प्लस के ऊपर जाइए, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्ले स्टोर से पहले अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, 2 साल का या फिर 1 साल का आपको कोर्स ले लेना है। ये आपके लिए किफायती होता है, ये फीस लिखी हुई है, फीस आपकी कम हो जाएगी अगर आप ये कोड यूज करते हो 4410। प्रोसीड टू पे करिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको 10% प्लस एक्स्ट्रा 10% आपको मिल जाता है जब आप अनअकैडमी के कॉइन्स का यूज भी करते हो। तो ये कोड आपको यूज करना है अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। आगे मैं आपको बता देता हूँ, एक और अगस्त का ऑफर है। अगर आप अगस्त में ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेसिक से पढ़ने के लिए, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे उसके अंदर, तो 1 साल 2 साल पर आपको 3 महीना 6 महीना फ्री मिलेगा जब आप सिर्फ SSC का लेते हो। लेकिन अगर आप यहीं पर SSC प्लस बैंकिंग दोनों का लेते हो तो आपको 1 साल पे और 2 साल पे 6 महीना और 1 साल एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। ध्यान रखिएगा फीस आपको सामने लिखी हुई है दोस्तों, इस फीस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप 4410 का कोड यूज करते हैं। तो अब आप कहेंगे सर मैं SSC का लूंगा, मैं SSC प्लस बैंक क्यों लूंगा? कारण ये है, अगर आप 1 साल या 2 साल का लेते हो तो मान लीजिए आप अगले साल भी पेपर दोगे, अगले साल के जो ज्यादातर पेपर है, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम पेपर आपके CET की बेसिस पर होने वाले हैं, यानी कि बैंक SSC रेलवे सब कुछ आपस में मर्ज होने वाला है और सबका एक कॉमन पेपर होगा। तो जो भी विद्यार्थी बैंक SSC रेलवे का पेपर देना चाहता है अगले साल CET के थ्रू, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है, तो आपको जाहिर सी बात है फिर आप अगले साल बैंकिंग भी पढ़ोगे तो उसके लिए अलग से पैसे लगाओगे, डबल फीस हो जाएगी। अभी आपको आधी फीस के अंदर 1 साल एक्स्ट्रा भी फ्री मिल रहा है, यानी कि 2 साल पर 3 साल हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चतुर्टेन के कोर्स के साथ मिल जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे ऑफर्स आप इसी अगस्त के महीने में ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, इन सभी टीचर से ये सारे के सारे टीचर मिलेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको अलग से किसी टीचर या फिर अलग से किसी सब्जेक्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको सिंपल बस 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेना है। अनअकैडमी का कॉम्बे टेस्ट भी होता है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं 4410 कोड लगाकर हर संडे को दोपहर 12 बजे, ठीक है। ये कोड है, इसको लिख लीजिए दोस्तों, ये कोड आपका काम कर जाता है हर सब्सक्रिप्शन पर। अब चाहे वो आपका अनअकैडमी का SSC का हो, चाहे वो SSC या बैंकिंग कॉम्बो हो, चाहे वो आपका UPSC का हो, या फिर चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे आपका CAT IIT JEE या कुछ भी, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो आप 4410 का कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कोड सभी में चल जाता है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है 10%, और प्लस आपके अनअकैडमी के कॉइंस का यूज करोगे तो उससे भी आपको 10% तक का डिस्काउंट, यानी कि टोटल 20% हो जाता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो बेसिक से पढ़िए आप इस बैच में, और अगर आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की तो ये क्लास करिए आके, जो की होती है शाम को 5 बजे डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, रीजनिंग का दंगल, यहाँ पर हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, यानी अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो प्रैक्टिस के लिए ये बिल्कुल फ्री क्लास है, आप आइए प्रैक्टिस के लिए। कभी मैं नहीं बोलता हूँ आपके कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बेसिक के लिए, और प्रैक्टिस करनी है अगर तो इन क्लासेस में आ जाओ 2 बजे और 5 बजे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आपसे कल सुबह 10:30 बजे, जहां पर हम लोग कर रहे हैं डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर। कहाँ पर होता है भाई, यूट्यूब चैनल का नाम लिख लीजिए सभी लोग, वाईफाई स्टडी स्टूडियो, इधर पे नहीं, वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर होगा आपका 10:30 पर सुबह सेशन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सभी से फिर से मैं बोल देता हूं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल इस नाम से है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट में पिन करा दूंगा। यहाँ पर आपको डेली क्लास की PDF और क्लास के लिंक मिल जाया करेंगे, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों कल फिर इसी वक्त रात में 10 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू सो मच।